हे गाइस, आई एम बैक अगेन विद न्यू वीडियो एंड आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म ब्रेड रोल। यस, क्रंची बाहर से और अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट एंड यमी ब्रेड रोल्स। तो सबसे पहले हम लेंगे हरी मिर्च, अजवाइन, गरम मसाला, लाल मिर्च, अनियंस, कोरिएंडर, सॉल्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आलू। एंड डोंट फॉरगेट ब्रेड। ये छोटा आलू बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये खुद मैंने अपनी खेती में उगाया है। या तो सबसे पहले हम पानी भरेंगे और अपने पोटैटोज़ को कर देंगे बॉईल। तो ये मैंने अपने पोटैटोज़ रख दिए बॉईल होने और ये मैंने जला दी गैस। तो अब हम मिर्च को चॉप कर लेंगे, अनियंस को चॉप कर लेंगे, बट हमारे को इतना मोटा चॉप नहीं चाहिए तो हम इसको और बारीक चॉप करेंगे। एंड दिस टूल इज़ रियली वेरी हेल्पफुल इन चॉपिंग एंड ऑल्सो ये आपको रोने से बचा लेता है। वाओ, इज़न्ट दैट ग्रेट। तब हम इसमें प्याज को करेंगे बंद, मिर्च को करेंगे बंद और हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद हमारा जो एंड रिज़ल्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। काफ़ी फाइन चॉप नहीं करना, मतलब डिसेंट साइज में चॉप कर लेना। तो मैं सब चीज़ों को एक साथ चॉप नहीं किया, मैंने बैचेस में चॉप किया है बिकॉज चॉपर हमारा छोटा है। एंड ऊपर से मैं चॉप्ड कोरिएंडर मिक्स कर रही हूँ। तो ये जब हमारा धनिया चॉप्ड इसमें मिक्स हो गया, देखो कितना प्यारा सा कलर लग रहा है। मन कर रहा है अब इसे ऐसे उठा के खा लो। और ये हमारे आलू भी ऑलमोस्ट बॉईल हो चुके हैं। एंड हियर कम्स द विसल। 3, 2, 1। तो ये हमारे बॉइल्ड पोटैटोज़ निकल गए एंड हियर हमने इनको पील कर दिया। सो आफ्टर पीलिंग थोड़ा ठंडा होने देना इनको बिकॉज दे आर रियली वेरी हॉट। और ऊपर से कई बार ठंडे लगते हैं, अंदर से गर्म होते हैं। सो डोंट यूज़ योर हैंड्स, यूज़ अ फोर्क लाइक आई एम डूइंग। इससे बहुत ईजिली मैश हो जाते हैं सारे पोटैटोज़ एंड आपका हाथ भी नहीं जलता, विच इज़ ग्रेट। मतलब दिस इज़ अ लाइफ हैक, लाइफ सेविंग हैक। सो दिस विल टेक अ व्हाइल। इस सबको क्रश करने के बाद, मैश करने के बाद एक्चुअली, अब हम इसमें अपना मसाला मिक्स कर देंगे जो हमने अनियन एंड कोरिएंडर वाला बनाया है वो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे को तो ना आफ्टर जब हम इसमें प्रॉपर सीजनिंग डाल लेते हैं ना, मैं तो तभी इसमें से निकाल के खा लेती हूँ थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, रियली गुड अमाउंट ऑफ लाल मिर्च। थोड़ा सा और डाल लेते हैं गरम मसाला और अजवाइन। नाउ द थिंग इज़ कि अजवाइन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है, बट गरम मसाला मैं थोड़ा अच्छा डालूंगी बिकॉज फ्लेवर तो आना चाहिए ना। और सॉल्ट मैं कोशिश करती हूँ बिल्कुल एंड में डालूँ बिकॉज सॉल्ट डालने से कई बारी यू नो वाटर रिलीज़ करते हैं पोटैटोज, सो इसलिए, और अनियंस भी, इसलिए मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ सॉल्ट। एंड आफ्टर दिस लेट्स गेट डाउन एंड डर्टी विद आवर हैंड्स एंड मिक्स एवरीथिंग अप। इससे क्या होता है कि आलू ठंडे हो जाते हैं, आपके हाथ भी नहीं जलते। इस टाइम पे अगर हाथ से मिक्स करो एंड मोर ओवर कोई बड़ा पीस रह जाए तो वो भी मैश हो जाता है। अब हम ब्रेड को एक बोल ऑफ वाटर में डिप करेंगे एंड फिर स्क्वीज़ कर लेंगे एक्सेस वाटर एंड फिर हम उसमें अपना फिलिंग डालेंगे एंड देन वील स्टार्ट स्क्वीजिंग इट अगेन एंड शेपिंग इट। तो ये मतलब आपकी ब्रेड कई बार फट सकती है कहीं कहीं से, तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट फिक्स इट एंड कीप स्क्वीजिंग, सारा पानी अच्छे से निकल जाए। और उसको थोड़ा राउंड शेप देके आप रख लो। तो जब आप रख लोगे ना इसको, तो ये अपनी शेप को थोड़ा फर्मली ग्रास्प कर लेगा। तो वी विल रिपीट द प्रोसीजर। ब्रेड लोफ लेंगे, उसको पानी में डिप करेंगे एंड देन वील फिल इट अगेन एंड देन वही स्क्वीज़ करके फिल करेंगे एंड देन वील कीप स्क्वीजिंग एंड थोड़ा थोड़ा हम उसको शेप देते जाएंगे। तो ऐसे हम सारे बना के रख लेंगे। उसके बाद हम लेंगे ऑयल। और हम ऑयल को करेंगे हीट। पता नहीं मैंने क्लैप क्यों किया, बट मैंने किया। अब ये भी बोलते बोलते समटाइम्स आई एम वियर्ड। जब हमारा ऑयल हीट हो जाएगा, नॉट मतलब फ्यूम्स नहीं उड़ने चाहिए ऑयल के, इट शुड बी हॉट। तो फिर हम अपने ब्रेड रोल्स को उसमें डाल सकते हैं आराम से। When it's heated enough, can you hear that sizzle? यप, तो अब हम इनको थोड़ा सा साइड चेंज करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी सी देर में इनके साइड चेंज करते रहेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट देम टू बर्न। हम चाहते हैं ये क्रंची हो जाएं। जब ये ऐसा गोल्डन सा कलर ले लें और गोल्डनिश ब्राउन, तो हम इनको निकाल लेंगे और एक टिश्यू पेपर में रख लेंगे, ताकि टिश्यू पेपर इनमें से एक्सेस ऑयल सोख ले। सर्व इट विद टमेटो केचप एंड आहा, क्या नज़ारा है। एंड साथ में गर्मा गर्म ब्रेड रोल्स, डिलिशियस, परफेक्ट संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय बाय।